कंप्यूटर स्लो होने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर स्लो होने के पीछे रीज़न है मेमोरी यूसेज का, सो इस वीडियो में एक ऐसा टूल आपको बताऊंगा जो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा मेमोरी यूसेज से रिलेटेड। मेमोरी यूसेज को आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको टास्क मैनेजर में जाना है और परफॉर्मेंस में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको डिस्प्ले करेगा मेमोरी यूसेज, जो 36% मेरा यूज़ है। टोटल मेमोरी जो है 6 GB है DDR3, जिसमें से 37% ऑलमोस्ट मेरा यूज़ हो चुका है। मोस्टली जो कॉमन प्रॉब्लम्स आता है, अगर आपका यहाँ पे 90% या 85% आ जाता है तो आपका जो सिस्टम है थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आप इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मेमोरी की इस परसेंटेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो आपका जो पीसी है वो काफ़ी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, परफॉर्मेंस में काफ़ी स्पीड में चलने लगेगा, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक टूल्स डाउनलोड करनी पड़ेगी जो KB में है, ज़्यादा उसकी साइजेस जो है बड़ी नहीं है। जैसा मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं उसे अगर रन कमांड में ओपन करूँ, जैसे यहाँ पे रन कमांड में डालता हूँ PC बूस्टर और ओके करता हूँ, इस तरीके से जो एप्लीकेशन से ऑटोमेटिक विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मेमोरी, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से टास्क मैनेजर से। टोटल मेमोरी 6 GB, जिसमें से यूज़ मेमोरी 2.2 GB दिखा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2.2 यहाँ पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे 37% दिख रहा है जो यूसेज में, यहाँ पे भी आपको 38% यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि ये इसकी जो ऑप्टिमाइजिंग है जो वो रनिंग में है। ये देख सकते हैं, ये जो टूल से एक्यूरेट डाटा आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। जो एप्लीकेशंस हैं, जो ऑनलाइन बहुत काफ़ी सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में जो फ्री है बिल्कुल, बट कुछ होता है जो डेटा वो आपको एक्यूरेट नहीं दे पाती है, और उसकी वजह से वो एप्लीकेशंस के थ्रू आप एक्चुअल यूसेज ट्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है परसेंटेज मेमोरी यूसेज का, वो सेम एज इट इज़ कर रहा है जैसा ये हमारे टास्क मैनेजर में शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम रिड्यूस मेमोरी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए मैं एक लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, इस तरीके से उसका रेयर फाइल आपको यहाँ पे मिलेगा, उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो फाइल इस तरीके से फोल्डर में शो करेगा, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आपको दिखेगा, दो EXE फाइल दिखेगा, एक है 64 बिट जो यहाँ पे लिख के आ रहा है 64, वो 64 बिट है, और ये जो लिख के आ रहा है रिड्यूस मेमोरी, जिसमें आपको साइजेस कुछ लिखी नहीं है, वो 32 बिट है। अगर आपका OS 32 बिट है तो आप इसे यूज़ करना फर्स्ट ऑप्शन को, अगर आपका 64 बिट है तो ये वाला यूज़ करना। आप इसे रिनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं रिनेम कर दूँ, राइट क्लिक करके आप रिनेम कर दीजिए बूस्टर, आप जो भी नाम देना चाहे वो नाम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिनेम कर दीजिए, मेरा 64 बिट है इसलिए मैंने 64 बिट किया, और इसे कॉपी कर लीजिए और सी ड्राइव में जाना है। विंडोज़ में सिस्टम 32 फाइल, यहाँ पे वो फोल्डर आपको सर्च करना है। इस तरीके से वो सिस्टम 32 फोल्डर डिस्प्ले होगा, इसे ओपन करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। परमिशन पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर का, कंटिन्यू कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। अभी इसे क्लोज कर दीजिए। अभी आपको क्या करना है, कीबोर्ड में जाके प्रेस करना है विंडो की +R। इस तरीके से ये जो है ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए बूस्टर, जो भी आप नाम आप डालेंगे रिड्यूस मेमोरी में, वो नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है, ऐसे ओके कर देना है। इस तरीके से आपका जो टूल्स है वो ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शनैलिटी है, जैसे ऑप्शंस में आप जाएंगे तो ऑप्शंस में अगर आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट करना है विंडोज़ स्टार्टअप पे, जैसे ही आप
अपना लैपटॉप या पीसी ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, वैसे ही ऑटो स्टार्ट हो जाना चाहिए रनिंग में। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आपको ये इसका जो ये यूआई है इसे हाइड करना है तो यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं, वो आपको शो नहीं करेगा, बैकग्राउंड में रन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आइकन्स हैं, जैसे सिलेक्ट द ट्रे आइकन, पैकेज, जो भी आइकन्स आपको शो करना है। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी बूस्टर का यहाँ पे देख सकते हैं आइकन शो कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी आइकन सिलेक्ट करना है, चेंजेस करना है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटो रन का हम लोग एक साइज डिफाइन कर सकते हैं परसेंटेज में। जैसे मैंने यहाँ टिक करके रखा है, जैसे ही मैंने टिक किया 75% पे, अगर 75% मेरा यूसेज हो जाता है मेमोरी का, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। जैसे मैं इसे 80 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, तो जैसे ही मेरा 80% होगा ये ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अगर मैनुअल ऑप्टिमाइज करना है तो आप मैनुअल यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको टास्क मैनेजर में अभी देख सकते हैं 41% है जो यूसेज है। अभी मैं ऑप्टिमाइज करूँगा तो यहाँ पे मेरा डिस्प्ले करेगा यूज मेमोरी 2.2 एंड फ्री मेमोरी 3.8, जो अभी 36% हो गया। तो इस तरीके से आप जो है ये इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, टेल मी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। अस्सलाम वालेकुम।